हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पूरा समरी करने वाले हैं। एक समरी एग्ज़ाम में पूछी जाती है जिसके लिए आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ लव पोएम रिटन बाय जॉन डॉन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी मेरी प्यारी मैं नहीं जा रहा हूँ, ये एक प्रेम कविता है जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखित है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू लव इन ह्यूमन लाइफ। तो इस कविता में कवि जो है मानव के जीवन में सच्चे प्रेम की क्या महत्व है, सच्चे प्रेम का महत्व क्या है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। द पोएट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम इज बिलव्ड। पोएट जो है अपनी बिलव्ड से, अपनी प्यारी से, अपनी पत्नी से दूर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, सी बिकम्स वेरी सैड, वो बहुत ही दुखी हो गई, बहुत ही उदास हो गई। द पोएट कंसोल्स इज बिलव्ड ओवर ए टेम्पोरी सेपरेशन। अब कभी जब कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं कुछ काम से, तो उनकी पत्नी बहुत ही दुखी हो गई है। तो पोएट जो है उनको सांत्वना दे रहे हैं कि ये तो टेम्पोरी सेपरेशन है, यानी ये तो झूठ मूठ का सेपरेशन है। ही सेज दैट ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम हर बट नॉट बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ हर और हैव्स टू फाइंड ए बेटर मैच फॉर हिम। बहुत तरीके के बात बोलकर वो अपनी पत्नी को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनसे दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उनसे तंग आ चुके हैं या फिर उनसे उन्हें कोई बेहतर मैच मिल गया है। ही इज़ पार्टिंग बिकॉज ही विशेज टू डाइन जेस्ट। पार्टिंग यानी अलग होना, वो अलग हो रहे हैं कुछ समय के लिए, वो उसको छोड़ के कुछ दिनों के लिए दूर जा रहे हैं क्योंकि वो जो है हंसी मजाक में मरना चाहते हैं। वन डे ही हैज़ टू डाई, एक दिन आएगा जब उनको मरना ही पड़ेगा। सो बिफोर डेथ ही वॉन्ट्स टू कीप हिमसेल्फ हैप्पी, तो मरने से पहले वो खुद को खुश करना चाहते हैं। द पोएट एश्योर्स इज बिलव्ड दैट ही विल कम बैक जस्ट एज अ सन कम बैक्स। और पोएट अपनी बिलव्ड को ये भी बता रहे हैं कि वो ऐसे ही जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे जैसे कि सूरज वापस आ जाता है। तो क्या होता है, सूरज पहले शाम को ढलता है, जैसे ही उसका टाइम होता है सवेरे तुरंत आ जाता है, थोड़ा भी देर नहीं करता है। और प्रकृति का ये नियम तो बहुत सालों से सदियों से चलता ही आ रहा है। तो उनका कहना है बिल्कुल सूरज की तरह मैं भी वापस आ जाऊँगा। ही प्रोमिसेस दैट ही विल रिटर्न फास्टर देन द सन। हाँ, उनका तो ये भी कहना है कि मैं तो सूरज से भी जल्दी वापस आ जाऊँगा। ही टेल्स हर दैट दिस पार्टिंग इज नथिंग इन कंपैरिजन टू द फाइनल पार्टिंग विच कम्स विद डेथ। उनका कहना है ये जो मैं अलग हो रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है उसके तुलना में जब फाइनल पार्टिंग आएगा, पूरी तरह से अलग अलग हो जाएगा जो कि मृत्यु के साथ होती है। मृत्यु क्या हो जाएगा, एक दिन दोनों को अलग कर देगी, शरीर उनका नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसे कब्र में दफना दिया जाएगा। सो शी शुड नॉट शेड टीयर्स ओवर हिज डिपार्चर। तो उन्हें जो है तो उनकी बिलव्ड को जो है बिल्कुल भी इस डिपार्चर पे, इस सेपरेशन पे आंसू नहीं बहाने चाहिए। ही फर्दर सेज दैट इवन इफ ही डाइज, वो आगे भी कहते हैं हो सकता है एक समय आएगा जब वो मर ही जाएंगे, फिर भी वो उसमें प्रेजेंट रहेंगे। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, तो अलग होने की तो कोई बात ही नहीं है। थस द पोएट मीन्स टू से दैट ट्रू लवर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय डेथ। तो कवि का कहना है कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो तो मृत्यु के बाद भी नहीं अलग हो सकते हैं। दे आर नेवर पार्टेड फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु जैसी शक्तिशाली चीज़ भी उनको अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि मरने के बाद भी अगर कोई एक जिंदा रहा तो वो उनमें प्रेजेंट रहेंगे ही, और इसके बाद भी ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो दोस्तों आप इस पूरी समरी को नोट कर लीजिए, अगर आप इतना ही अपने एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।